जब घर पर कोई गेस्ट आ जाए और हमें खाना बनाने की जल्दी हो, कुछ समझ में भी ना आ रहा हो, तो मैं फटाफट से बनने वाली पनीर की भुर्जी बना लेती हूँ। पनीर से बनने वाली डिशेस तो सबको बहुत पसंद होती हैं और बन भी जल्दी जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से बनने वाली मटर पनीर की भुर्जी। मैं इंद्रजीत कौर, वेज जायका में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डालेंगे रफली चॉप किए हुए 4 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को हम किसी भी तरह से काट सकते हैं क्योंकि इन्हें हमें पीसना है। और साथ में ही ऐड कर देंगे एक हरी मिर्ची, 6-7 लहसुन की कली, 2 इंच अदरक के टुकड़े काटकर इन्हें भी प्याज के साथ डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 ग्रीन इलायची, 3-4 लौंग, 5-6 पीस काली मिर्ची के और 1 जायपत्री का टुकड़ा। जायपत्री का फ्लेवर पनीर भुर्जी में बहुत ही बढ़िया आता है। इन सबको हमने एक साथ पीस लेना है। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बना लेंगे जिसमें हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से पिस जाएं। यहाँ पर पनीर भुर्जी बनाने के लिए ये जो मसालों की क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, ये 200 ग्राम पनीर और 1 कप मटर के लिए है। जब हम पनीर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी बनाएंगे, तो मसालों की क्वांटिटी को भी उसी नाप से बढ़ा लेंगे। अब इस पिसे हुए मसाले को हमें भूनना है, जिसके लिए एक कढ़ाई लेकर उसमें 3-4 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने के लिए रखेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 2 तेज़पत्ता डालकर थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और जो मसाला हमने अभी ग्राइंड किया है उसे भी डाल देंगे और मसाले को चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। इधर गैस पर हमारा मसाला भुन रहा है, तब तक हम टमाटर ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन प्याज के मसाले को भी हम साथ साथ में चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। इसी मिक्सी के जार में 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट कर डाल देंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। टमाटरों को भी प्याज की तरह हम रफली काट लेंगे। देखिए, टमाटर का पेस्ट इस तरह का बनाएंगे, इन्हें एकदम फाइन पेस्ट की तरह नहीं पीसेंगे, इस तरह का पीसेंगे। टमाटर का पेस्ट रेडी है, तो अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्याज का मसाला पूरी तरह से भुन चुका है कि नहीं। अभी ना प्याज का मसाला पूरी तरह से भुना नहीं है, तो इसे अभी थोड़ी देर और भुनेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे और मसाले को तब तक भुनेंगे जब तक कि साबुत मसाले और प्याज अच्छी तरह से पक ना जाएं और मसाले में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। मसाले को भूनते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। पनीर भुर्जी बनाते हुए हमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो प्याज हम भून रहे हैं, प्याज और टमाटर, वो एकदम अच्छी तरह से पक जाने चाहिए ताकि सब्जी में से इनका कच्चा स्वाद ना आए। जब टमाटर थोड़े से पक जाएं, तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अनुसार नमक। इन मसालों को भी टमाटर वाले मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर फ्रेश मलाई। मलाई की जगह यहाँ पर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर मलाई और क्रीम दोनों ही अवेलेबल ना हो तो इसमें थोड़ा सा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई डालने से पनीर भुर्जी थोड़ी सी क्रीमी और रिच हो जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप फ्रेश मटर के दाने। मटर को मिक्स करेंगे और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। पानी को भी मिक्स कर देंगे और मटर को सॉफ्ट होने तक ढककर पकाएंगे। मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर इस्तेमाल किए हैं। अगर फ्रेश मटर ना हो तो हम फ्रोज़न मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ढक्कन उठाकर चेक कर लेते हैं। देखिए, मटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें मैंने गैस की सिम फ्लेम पर पकाया है। 3-4 मिनट तक सिम फ्लेम और ढककर पकाने से मसाला और मटर दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब बारी है इसमें पनीर डालने की। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसे हाथ से क्रम्बल कर लिया है। यहाँ पनीर को हम कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। पनीर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पनीर को चलाते रहेंगे ताकि सारा मसाला और पनीर एक साथ मिक्स हो जाए। और अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे
और पानी को इसमें मिक्स करके कढ़ाई को ढक्कन से ढककर 2 मिनट के लिए सिम गैस पर रख देंगे और 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये लीजिए एकदम बढ़िया टेस्टी मटर पनीर की भुर्जी तैयार है। इसमें से साबुत मसालों की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी टाइम खा सकते हैं। मटर पनीर की भुर्जी को नान के साथ, पराठों के साथ या चपाती के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे चपाती में लगाकर रोल बनाकर भी खा सकते हैं और ब्रेड में लगाकर सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं। बच्चे भी इस सैंडविच को खाना बहुत पसंद करेंगे। इस सैंडविच को आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। आप मेरे तरीके से मटर पनीर भुर्जी बनाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।